दुखों में सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया से जाने वाले लोगों को कभी दोबारा देख नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। अभी जिंदगी में वो मकाम भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाजना है। ऐसे बन जाए कि लोगों को यकीन आने लगे कि इंसानियत, एहसास, शफकत और एहतराम अभी दुनिया में बाकी है। वो जो कहते हैं बेटियों से भी कोई पूछता है, सुनो बेटी फातमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करना। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रहे हैं। वो इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही करीब होता है ताकि तुम समझ जाओ तुम्हारा अपना कौन है। परेशानियां तो हजार है लेकिन सुकून देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह। परेशान हो, यकीनन तुमने नमाज और कुरान छोड़ रखा है। अगर उसने तुम्हें दत्कारा ही होता तो वो कभी तुम्हें अपने दर का पता ना देता। सब्र रखो, अल्लाह वसीले बनाने वाला है। अल्लाह पे कामिल यकीन रखने वालों की कभी हार नहीं होती।